हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं अभी हम नहीं बताएंगे, इट्स सरप्राइज। सो लेट्स गो विद अस, वी विल शेयर एंड वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। सो वी विल टेल यू व्हेन वी विल गो देयर। सो फिर आपको दिखाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इट्स सरप्राइज। तो तब तक आप लोग हमारे साथ चलें और इन्जॉय करें। इमल यहाँ खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इमल, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बट वहाँ पे पहुँच के फिर हम आपको दिखाते हैं, ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जी गाइस, तो मैंने कहा कि आपको आज का वेदर भी दिखा दिया जाए। आज वेदर बड़े मज़े का हुआ है, देख सकते हैं बादल आए हुए हैं और ना ही धूप है और ना ही ज़्यादा सर्दी है, बड़े मज़े का मौसम हुआ है। ये रहा सारे बादल, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये आसमान कितना प्यारा लग रहा है, वाह। और अब हम जा रहे हैं और आप हमारे साथ रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं गाइस, हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे ना हम जा रहे थे तो ये देखें, इन्होंने अपने टेरेस पे कितना अच्छा, क्रिसमस आ रही है ना इनकी, तो इन्होंने कितना अच्छा अपना क्रिसमस ट्री रखा हुआ है और सेंटा वुड रखा हुआ है और ये स्नोमैन बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने अपने टेरेस पे रखा हुआ है। ये देखिए, बाय बाय। जी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं स्टॉप पे। अभी हम एक बस से उतरे हैं और हम स्टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट फील्ड के सामने, ये हमारे पास वेस्ट फील्ड और इसके बिल्कुल सामने हम स्टॉप पे जोन में उतर गए हैं और अब हम नेक्स्ट बस का वेट कर रहे हैं और बस नेक्स्ट बस आती है उस पर बैठते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये देखें, ईमान भी खड़ी है मेरे साथ, वेट कर रही है बस का, आवाज़ नहीं आएगी तो चले साथ साथ हमारे। वो तो आज आज का वेदर बड़ा अच्छा लग रहा है। जी गाइस, आप लोगों को मैंने कहा बता दूं कि आप लोगों को मेरे फेस पे एक्नी नजर आ रही होगी। ये एक्नी जब से मैं आई हूँ तब से निकली हुई है, आई डोंट नो ये किस चीज से निकली और कब खत्म होगी। आई थिंक पानी वगैरह यहाँ का सूट नहीं किया तो इट्स ओके, इग्नोर करें इसको, खुद ही टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएगी। और बस मैंने कहा आपको बता दूं, आप भी हंस रहे होंगे मेरे पे, तो ये रीजन है मेरी एक्नी की। और गाइस देख सकते हैं आप लोग, इसका फेस फ्रेश रहता है, इसके फेस पे कोई एक्नी वगैरह नहीं निकलती। और ये मतलब जेलस होती है कि इसके फेस पे क्यों निकलती और मुझे कहती रहती है निकले लेकिन नहीं। हाँ, ये बल्कि मेरे फेस पे निकलती है ना तो ये मुझे कहती है एक्नी निकली हुई है। तो इसके फेस में ना कोई एक पिंपल है, देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कोई पिंपल भी नहीं है। आई डोंट नो, गाइस हम उतर गए हैं बस से और अब हम जा रहे हैं सीधा रॉयल इंडियन शॉप, बिल्कुल सामने है और हम जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे करने के आए हैं। जी गाइस, मैंने आपको बताया था कि हम रॉयल इंडियन शॉप आए हैं, ये रॉयल इंडियन शॉप है अंदर और यहाँ पर हम क्या खाने आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है, शान स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम खाने आए हैं, यहाँ पर गोलगप्पे। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बड़े दिनों से कि गोलगप्पे खाते हैं। मुझे पर्सनली गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है और पाकिस्तान में तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। ईमान को गोलगप्पे नहीं पसंद, ईमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैंने ईमान को बार बार जिद करके कहा कि चलो 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 मैंने खाने हैं। तो अभी बस हमने ऑर्डर कर दिया अंदर, वो अब हम यहाँ पे बाहर बैठे हैं और बाहर यहाँ पे इधर कुर्सियों पे बैठेंगे, चेयर्स पे, और अभी खाएंगे, अभी आएंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, तो आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। ये बस यार, ये क्या हो गया ड्राइवर को, ड्राइवर ने सारी मेरी गाड़ियाँ लाइन से लगाई हुई हैं, मेरी सारी गाड़ियाँ ड्राइवर ने लाइन से लगाई हुई है। मैंने कहा भी था कि घर में खड़ी करो, यहाँ पे गंदी हो जाती है, लेकिन ड्राइवर सुनता भी नहीं है, कोई बात नहीं। जी गाइस, तो हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, वाओ कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये इसके साथ पानी है, एक स्पाइसी और एक स्वीट वाला पानी है। और मेरा तो दिल चाह रहा है ये अभी खा लूँ, ईमान गई है
उसको अब मैं बुला के लाती हूँ, मैसेज करती हूँ उसको कि जल्द से आ जाए, वो उधर गई है इंडियन शॉप के अंदर। तो मैं जल्द से उसको मैसेज करती हूँ कि हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, जल्दी से आके खा लो, बड़े मज़े के लग रहे हैं। बहुत मजे के हैं गाइस, टू टेस्टी। अब हम ये वाली भी ट्राई करते हैं, अभी हमने स्वीट वाली ट्राई की, अब हम मिर्ची वाली ट्राई करेंगे। गाइस हमने गोलगप्पे खा लिए और बहुत मज़े के थे और बहुत मज़ा आया। इतने टाइम बाद हमने दोबारा से खाए हैं, पाकिस्तान में खाए थे और उसके बाद फिर हम इधर आ गए और इधर मिले नहीं, तो अभी हम फर्स्ट टाइम, मतलब हम इधर तो आते रहते हैं रॉयल इंडियन शॉप पे, बट इधर से हमने फर्स्ट टाइम खाए और बहुत मज़े के थे। और अब हम आते जाते रहेंगे इधर, क्योंकि हमें पता लग गया कि इधर बहुत मज़े के मिलते हैं और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ईमान अंदर गई है रॉयल इंडियन शॉप के, उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेनी थी वो अंदर गई है, और अंदर ब्लॉग अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर नहीं जा रही। तो मैंने आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर कर दिया कि बहुत ज़्यादा मज़े के थे, और अब घर चलते हैं और फिर ब्लॉग को करेंगे एंड। जी गाइस हमने वेजिटेबल ले लिए रॉयल इंडियन शॉप से, बस अब हम निकलते हैं घर के लिए और बस में जाते हैं, और बस में जाके फिर जब घर पहुँचते हैं तो ब्लॉग को करेंगे एंड। और मैंने तो आपके साथ रिएक्शन शेयर कर दिया, ईमान आपका क्या रिएक्शन है जल्द से बता दो, रुको मैं कैमरा आपके। हाँ तो ईमान जल्दी से बता दो कि क्या रिएक्शन है आपका, आपको गोलगप्पे कैसे लगे? गोलगप्पे थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ पाकिस्तान के पाकिस्तान वाले हैं, लाहौर लाहौर है। हाँ तो ईमान जल्दी से बता दो कि क्या रिएक्शन है आपका, आपको गोलगप्पे कैसे लगे? थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ पाकिस्तान के पाकिस्तान वाले हैं, लाहौर लाहौर है। जी गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है रॉयल इंडियन शॉप, ग्रोसरी स्टोर है ये, और यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह भी मिलती हैं, और जो ग्रोसरी आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। जो आप पाकिस्तान में खाते हैं और यहाँ पे आपको नहीं मिलता, तो वो आपको इंडियन स्टोर से ज़रूर मिल जाएगा। और बिल्कुल साथ में आपके पास शान स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स है, जहाँ से मैंने अभी गोलगप्पे खाए हैं, तो आप वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें और ले सकते हैं। मैंने तो बस गोलगप्पे खाए हैं, और ईमान मुझे बुलाई जा रही है, बस एक मिनट में आ रही हूँ। और ये देख सकते हैं ये अलमोस्ट कबाब है, और ये भी हलाल होता है, तो आप लोग आराम से ले सकते हैं, ये इनका मेन्यू है, आप लोग आराम से ले सकते हैं। तो चलें अब हम घर चलते हैं, हम बस का वेट कर रहे हैं, बस आने में 10-15 मिनट हैं, 15 मिनट्स हैं, तो बस अब हम चलते हैं। मैं इधर से निकल रही हूँ, ईमान उधर से निकल रही होगी। कहाँ गई ईमान? कहाँ गई ईमान? ईमान ही घूम गई है। पता नहीं कहाँ गई है, चले हम लोग तो चलते हैं, वो रही ईमान, वो देखे उधर है ईमान। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई हो, आप उस तरफ से बाहर निकल आई हो। चलो जी बाय बाय, हम फिर आएंगे। जी गाइस आप लोग देख सकते हैं वी आर वेटिंग फॉर द बस, और ये ईमान की हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बस का वेट कर रहे हैं हम दोनों। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, और बस आने में अभी भी 10 मिनट हैं, और जब हम यहाँ पे बैठे थे तब बस आने में पूरे 30 मिनट्स थे, और अभी भी 10 मिनट पड़े हुए हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है,
और बस घर चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ईमान जी गाइस, तो हम लोग बस में बैठ गए हैं, बस अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सलाम फिर से क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्लॉग का जो ये वाला पार्ट है ये एक घंटे बाद का है, 1 आवर लेटर। तो मैं घर आ चुकी थी, रेस्ट वगैरह किया थोड़ी देर, आधा पौना घंटा बैठी, कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश हुई, तो अभी टाइम था, अभी 4-5 बजे थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं और ईमान बीच आ गए हैं, हमने कहा बीच चलते हैं, वर्कशॉप करते हैं, बैठते हैं, सैर वगैरह करते हैं, तो अभी हम आ गए हैं बीच पे, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, बीच का व्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बस अभी हम बैठे हुए हैं और आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करें, मुझे होप है कि आप लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और अगर आप हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं आप लोगों को तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं और आप लोगों को सारा व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं ये व्यू है, आप कहेंगे ये किस तरह से व्यू दिखा रही है, मैं आगे जाके दिखा देती हूँ व्यू, लेकिन बात ये है कि मैं नीचे नहीं जा रही क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा डॉगी हैं और मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंतहा का डर लगता है। एक दफ़ा मैं बचपन में ना मेरे पीछे पड़ गया था डॉगी और मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से डरती हूँ, मैं रोते रोते अपने बाबा के पास चली गई थी, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डरती हूँ डॉगी से, तो इसलिए मैं डॉगी के पास जाती भी नहीं हूँ ना कुछ करती हूँ। वो देखें वहाँ पर इतने ज़्यादा डॉगी भाग रहे हैं, इसलिए मैं नीचे तो नहीं जाने वाली, बस इधर ही बैठते हैं। वो देखें जहाँ पर ईमान बैठी हुई है वहाँ पर बैठती हूँ और थोड़ी देर इंजॉय करते हैं इस व्यू को और फिर चलेंगे घर इंशाल्लाह। ये देखें ये क्या कर रही है, ये कॉल पे बात कर रही है किसी से। गाइस और साथ साथ हम चिप्स लाए थे इंजॉय करने के लिए, देख सकते हैं आप, ये आप लोग देख रहे होंगे ये चिप्स की हालत हमने क्या कर दी है। बेसिकली ये हमने बड़े वाला लिया था, ये पता नहीं कितने का था, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत बड़ा था, तो वो हमने खा खा के इतने कम कर दिए हैं कि अब मुझे ये करना पड़ रहा है, इसलिए ये मैंने अभी किया है और अब हम मिल बैठ के खा रहे हैं चिप्स। येलो लेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्लासिक वाले सॉल्टी जो होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, पाकिस्तान में तो ये मैं खा के थक जाती थी, लेकिन इधर भी आके अब मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी गाइस, तो हम लोग इधर बैठे हुए हैं और वो देख सकते हैं सामने से डॉगी आ रहा है, मैंने कहा आप लोगों को ये वाला डॉगी तो ज़रूर दिखाऊँ, इतना अच्छा भालू जैसा डॉगी है ये, उम्मीद करते हैं आपको नज़र आ रहा होगा, यार वो इधर ही आ रहा है, मुझे डर लग रहा है ये ना हमारे पास आ जाए, यार हमारे पास ही आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं कैमरा नीचे करने लगी हूँ। ये देख सकते हैं मुझे डर लग रहा था, मैंने कैमरा नीचे कर दिया था, वो चला गया उधर से। गाइस हम लोग घर वापस आ चुके थे, पहले हम गए थे गोलगप्पे खाने के लिए और गोलगप्पे बहुत मज़े के थे और बहुत मज़ा आया, और फिर हम चले गए थे बीच और बीच का भी सारा व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बस वर्कशॉप करने गए थे तो थोड़ा सा ही हमने जितना मैं क्लिक कर सकी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब मैं फ्री हो गई हूँ और मैंने सोचा चलें व्लॉग को करते हैं एंड। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।